अस्सलाम वालेकुम। नौ सेवन क्लास, दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर टू ऑफ द एक्सरसाइज 1.1। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। अब आपने जितने भी सेट के क्वेश्चंस लिखे हैं इसको आपने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये पहले बताए कौन सी फॉर्म में, लेटर्स ऑफ द वर्ड हॉकी मीन्स ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, इसको आपने कन्वर्ट करना है टेबुलर फॉर्म में। तो इसको क्या सेट है, ए इज़ इक्वल्स टू लेटर्स ऑफ द वर्ड हॉकी, इसमें आपने हॉकी के लेटर्स लिखने हैं। तो उसको टेबुलर फॉर्म कौन सी है जिसको आप लिस्ट की फॉर्म में लिखते हैं विद इन ब्रैकेट्स और सेपरेट करते हैं कॉमा के साथ, एच ओ कॉमा सी कॉमा के कॉमा ई कॉमा वाई ब्रैकेट क्लोज। ये टेबुलर फॉर्म है जिसको आपने ब्रैकेट में लिखा है और सेपरेट किया है कॉमा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी इज इक्वल्स टू टू कलर्स इन द रेनबो। अब आपने बी का सेट लिखना है जिसके अंदर जस्ट टू कलर्स आपने लिखने हैं रेनबो के, वो जोन से मर्जी लिख सकते हैं आप। हम लिख रहे हैं एक रेड और सेकंड कलर लिख रहे हैं ब्लू। जस्ट टू कलर्स लिख रहे हैं और इसको भी आपने टेबुलर में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट है सी इज़ इक्वल्स टू नंबर्स लेस देन 18 डिविजिबल बाय 3 मीन्स 3 का आपने टेबल लिखना है और 18 से लेस तक लिखना है आपने। तो सी इज़ इक्वल्स टू 3, 6, ये 3 का टेबल लिखेंगे, वो ये नंबर जो 3 पर डिवाइड हो रहे हैं और 18 से लेस तक लिखेंगे, 3, 6 बस, उसके आगे ब्रैकेट क्लोज, इससे आगे नहीं जा सकते क्योंकि लेस देन 18 तक लिखना है। नेक्स्ट वन है डी इज इक्वल्स टू मल्टीपल्स ऑफ 5 लेस देन 30। अब 5 के मल्टीपल्स लिखना है मतलब 5 का टेबल लिखना है और 30 से लेसर लिखना है। ये क्वेश्चंस आपने 6 क्लास में किए हुए हैं। नो ब्रैकेट क्लोज, 30 से लेसर तक है 25 तक। 5 1s are 5, 5 2s are 10, 15, 20 and 25। नेक्स्ट है ई इज इक्वल्स टू एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू एंड एक्स इज ग्रेटर देन 5। ये कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म में है और इसको आपने कन्वर्ट करना है टेबुलर फॉर्म में। तो ये क्या इसका मतलब है, एक्स सच डैट एक्स मतलब इस सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं बिलोंग्स टू कैपिटल डब्ल्यू, डब्ल्यू मीन्स होल नंबर, होल से डब्ल्यू का मतलब होल है ना, या आपने वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ा है होल नंबर डब्ल्यू से स्टार्ट हो रही है। तो डब्ल्यू एंड एक्स ग्रेटर देन 5 मतलब इस सेट के अंदर जितने नंबर, सेट किस चीज़ का है, होल नंबर्स का, और जितने भी नंबर्स लिखे हैं वो 5 से ग्रेटर हैं। तो 5 से ग्रेटर नंबर तो काफ़ी सारे हैं जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, विच इज़ इनफाइनाइट सेट। तो इसे कहाँ से स्टार्ट करना है, 5 से ग्रेटर है तो ये होगा 6, 7, 8, 9, 10 और आगे अप टू सो ऑन, मतलब अब काउंट नहीं किए जा सकते, सारी काउंटिंग इस सेट के अंदर आ जाएगी। बात समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है एफ इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू जी एंड -7 इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन -1। ये दो कंडीशंस इकट्ठी यूज़ की गई हैं इसमें। जी स्टैंड्स फॉर इंटीजर्स, इंटीजर्स को शो कर रहा है जी। तो ये किस चीज़ का सेट है, इंटीजर्स का। इंटीजर्स क्या हैं, जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं और उसमें एंड इसमें जितने इंटीजर्स हैं उनकी क्या लिमिट है कि वो -7 और -1 के दरमियान में जितने भी नंबर्स इंटीजर्स में हैं वो सारे का सेट है। तो -7 है तो उससे पीछे की साइड पे जाएगा ना, क्योंकि -7 के बाद ग्रेटर नंबर है -6, -5, -4, -3, -2
बस ब्रैकेट क्लोज माइनस वन तक के दरमियान तक के लिखने हैं तो ये माइनस टू तक आएगा। बात समझ आ गई यहाँ पे? जैसे लाइन मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन नंबर वन में भी बताया, ज़ीरो माइनस वन और इस साइड से आ रहा होता है और इस साइड की तरफ जा रहा होता है, तो मतलब यहाँ वाले छोटे नंबर इंटीजर्स हैं और जैसे जैसे इस साइड पे आ रहे हैं, जैसे माइनस टू छोटा है माइनस वन से, माइनस वन बड़ा है माइनस टू से, और इसी तरह ज़ीरो बड़ा है इससे, और इस तरह आगे सारे नंबर्स बढ़ते जाएंगे। बात समझ आ गई? तो माइनस सेवन और माइनस वन के दरमियान वाले नंबर्स लिखने थे इस सेट के अंदर। और जी शो करता है, ये आपने याद रखना है, जी किसको शो करता है? इंटीजर्स को।